मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, आपको बता दें कि राखी सावंत पहुंची हैं बिग बॉस 15 में। आप सबको बता दें कि बिग बॉस 15 की टीआरपी बहुत डाउन चल रही थी, जिसकी वजह से मेकर्स हर नई नई तकनीक को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि जो नई तकनीक अपनाई है बिग बॉस 15 में, वो है राखी सावंत की एंट्री करवाना उनके पति रितेश के साथ। जी हाँ, तो पहली बार रितेश का चेहरा जमाने ने देखा, क्योंकि जब से राखी सावंत ने शादी की है तब से ना तो उनकी शादी की कोई फोटोज वायरल हुई, ना ही कुछ भी तरह की रितेश की फोटोज सामने आई हैं। लेकिन अब आपके सामने रितेश की फोटोज, क्या पूरी के पूरे रितेश सामने आ चुके हैं। जी हाँ, बिग बॉस 15 के घर में दिखाई दिए रितेश, और अपने लव स्टोरी के बारे में भी उन्होंने बात की। रितेश ने बताया कि कैसे राखी सावंत उन्हें पसंद आई, कैसे राखी सावंत के साथ उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। उन्होंने बताया कि मेरे पीए ने आकर मुझे राखी का नंबर दिया था, मैंने राखी को मैसेज किया और उनसे हाय कहा, लेकिन राखी को जब पता चला कि वो मुझे नहीं जानती हैं तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये बात सुन के सारे घर वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर राखी को दूसरे नंबर से मैसेज किया और यहाँ से इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। राखी ने बताया कि मैंने उस समय उन्हें इसीलिए ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उस समय मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मैं इन सब रिश्तों में फंसती चली गई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी रितेश अच्छे लगने लगे। इन दोनों की लव स्टोरी ऐसी ही है जो रितेश ने शेयर की है बिग बॉस 15 के घर में। राखी सावंत ने भी हामी भरी इन सब बातों पे। जी हाँ, रितेश जो जमाने से छुपे हुए थे, जनता जानना चाहती थी कि रितेश कौन है जिनसे राखी सावंत ने शादी की है, तो अब रितेश जमाने के सामने आ चुके हैं, लोगों के सामने आ चुके हैं। जी हाँ, लाइव फीड में कई बार रितेश को देखा गया, कल ही उनकी तस्वीर सामने आई। वहीं आपको बता दें कि रितेश अब वीकेंड के वॉर का भी प्रोमो सामने आया है, जिसमें वो शमिता के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सारे वीडियोज जो सामने आ रहे हैं, इसमें रितेश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको उसको लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।